Yes, students, we will continue. Akbar's religious path was named in 1582 AD as Din-e-Ilahi, that is the religion of one God. तो उसने सारे धर्मों में से धर्मों को मिलाकर एक चीज़ जो हासिल की, उससे उसने क्या बनाया, उसने बनाया अपना एक न्यू रिलीजन Din-e-Ilahi, that is the religion of one God. इसको आपने अंडरलाइन करना है पेंसिल से. इट वॉज नॉट ए न्यू रिलीजन, इट वॉज लाइक अ सूफी ऑर्डर. अकबर डिड नॉट फोर्स द पीपल टू ज्वाइन और एक्सेप्ट Din-e-Ilahi. इवन हिज ओन मिनिस्टर राजा मान सिंह रिफ्यूज टू ज्वाइन इट एंड ही डिसअप्रूव्ड ऑफ इट ओपनली. सभी के सामने उसने मना किया कि मैंने ये रिलीजन आपका नहीं अपनाना. राजा बीरबल हाउएवर सिंसियरली फॉलोड इट. और किसने इस रिलीजन को अपनाया? राजा बीरबल ने. अंडर Din-e-Ilahi अकबर बिकेम द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज पीपल. और वो एक डिवाइन होली पर्सन बन गया जो कि अपने लोगों को गाइड करता था प्रॉपर. ही डिस्करेज्ड द किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड एडवाइज दैट द पीपल शुड स्टॉप ईटिंग मीट एटलीस्ट फॉर ए फ्यू डेज इन अ ईयर. और कब उनको नहीं खाना चाहिए मीट? स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ देयर बर्थ. जिस महीने में उनका बर्थ हो रखा हो उस महीने में स्पेशली दे शुड नॉट ईट मीट. ही हिमसेल्फ गेव अप ईटिंग मीट. और उसने खुद भी छोड़ दिया मीट खाना. अकबर डिसअप्रूव्ड ऑफ क्रूअल पनिशमेंट्स. और किस किस चीज़ के खिलाफ था? सच एज म्यूटिलेशन ऑफ लिम्स ऑफ द क्रिमिनल्स. उनकी बाजुओं को अलग करना शरीर से काट कर, या फिर उनके पैरों को अलग करना, उनकी टांगों को अलग करना, तो ये चीज़ों के अगेंस्ट था वो. ही ऑल्सो डिसअप्रूव्ड ऑफ हिंदू वुमेन परफॉर्मिंग सती. हिंदू लोगों में एक सिस्टम था, इविल सिस्टम था बहुत ही. क्या था उस टाइम? जब किसी वुमेन का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी उसकी चिता के साथ जो है जिंदे जला दिया जाता था. उसकी चिता के ऊपर बिठाकर उसको भी जला दिया जाता था, उसको कहते थे सती. सो ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दैट सिस्टम. अकबर इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ द सन, द फायर एंड द लाइट इन हिज रिचुअल्स. रिचुअल्स कहते हैं रिलीजियस सेरेमनीज. जो भी उसकी सेरेमनीज थी उसमें किस चीज़ की पूजा होती थी? सन की, फायर की और लाइट की. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द एंडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. एन एस्टिमेट ऑफ अकबर. अकबर ने क्या क्या किया उसके बारे में एक एस्टिमेट. अकबर डाइड इन 1605 AD. इसको अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे. ही डाइड इन 1605 AD आफ्टर रूलिंग इंडिया फॉर 50 ईयर्स. उसने पूरे 50 ईयर्स तक रूल किया इंडिया के ऊपर. देन हिज राइन वॉज ए ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल इंडिया. ग्लोरियस मतलब यादगार. एक इतना बढ़िया आलीशान उसका रूलिंग पीरियड था मिडल एजेस में. हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया मतलब हमारी जो मिडल इंडिया, मिडल एजेस है इंडिया की, तब तक का ये बहुत ही बढ़िया पीरियड रहा है. अकबर रैंक्स इन द हिस्ट्री ऑफ रैंक्स विद अशोका द ग्रेट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. और इनको पूरे वर्ल्ड में जो है कहा, क्या कहा गया है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. थ्रू आउट हिज राइन, हिज रूलिंग पीरियड, अकबर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. एंड ही रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स. टू हिम ऑल द रिलीजन्स वर इक्वल. He is also remembered for centralized administrative system, जिसमें के हेड कौन था? Centralized administrative का मतलब जो मेन हेड कौन था वो खुद अकबर था. Though himself an illiterate man, illiterate कौन होता है? The person who is not able to read and write. उसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी. He was not educated. But Akbar had a
पैशनेट इंटरेस्ट इन बुक्स, मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी. क्या स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी? बहुत ज़्यादा पसंद क्या करता था. ही हैड एन ग्रेट इंटरेस्ट इन बुक्स, और उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बुक्स को पढ़ने के लिए. विद दिस स्टूडेंट्स वी एंड दिस चैप्टर, एंड वट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, आई विल हैव योर ऑनलाइन क्लास, ओके, वेन एवर आई विल हैव, सो आई विल डिस्कस whatever you are having the problems, okay? So revise this all chapter properly.